नमस्कार दोस्तों, टाइनी सीड्स की ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो डियर फ्रेंड्स, अगेन मैं लेकर आई हूं एक बेहतरीन स्पीच। तो इन शब्दों से शुरू करें अपने स्वतंत्रता दिवस मन संचालन की प्रस्तुति और पाएं तालियों की गड़गड़ाहट। बुझा है जिस आंगन का चिराग, उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। बुझा है जिस आंगन का चिराग, उस घर की दीवारें भी रोई होंगी। खोया है जिन माओं ने लाल अपना, ना जाने वो माएं कैसे सोई होंगी, कैसे सोई होंगी। सुप्रभात। उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षक गण और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर को पूरा देश इतने हर्षोल्लास और जोश के साथ मना रहा है। परंतु इसके पीछे लगभग 200 वर्षों का वह इतिहास छिपा हुआ है, जिसके हर पन्ने पर हमारे पुरखों की पीड़ा, बलिदान, संघर्ष और देश समर्पण लिखा हुआ है। इसलिए सर्वप्रथम आज मन संचालन के शुभारंभ से पहले मातृभूमि के चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ और भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कोटि कोटि नमन करती हूँ उन शहीदों, वीर सपूतों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने कतरा कतरा खून दिया था, कतरा कतरा खून दिया था, बीत जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज जब माने नहीं थे तो गोलियों से भून दिया था। हमारी इस मातृभूमि की आन बान और शान के लिए वो हंसते हंसते सूली चढ़ गए, उफ तक न की, और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ाद करवा दिया। आज अगर हम संप्रभु और स्वतंत्र हैं तो हमारे इन्हीं देशभक्तों की शहादत, त्याग और समर्पण का नतीजा है। महात्मा गांधी, सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे अनगिनत वीर सपूतों ने अपना लहू बहाया था, तब जाकर हमने यह दिन पाया था। अगर आज हमें सारे अधिकार मिले हैं तो हमें उनका सदुपयोग करना भी आना चाहिए। अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहना बहुत ज़रूरी है। परंतु आज अगर हम देखें तो लोग अपने अधिकारों के लिए तो लड़ते हैं, पर जब कर्तव्य पालन की बात आती है तो 100 कदम पीछे हट जाते हैं, मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। और यही सोच देश को अप्रगति की ओर ले जाएगी। देशभक्ति या राष्ट्रप्रेम का अर्थ यह नहीं होता कि यह हमारे ऊपर थोपा जाए और हम किसी राजनीति या राजनेता की हाँ में हाँ मिलाते हुए बढ़ चढ़कर राष्ट्रवाद का हिस्सा बने, बल्कि सही मायने में देशभक्ति वह है जहाँ हम अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहें, सतर्क रहे राजनीतिक हथकंडों से, सावधान रहे आतंकवादी रणनीति से, नस्लवाद और नक्सलवाद से, धार्मिक दंगों से, हिंसा फैलाती अफवाहों से, देश को बेच खाने वाले गद्दारों से, धर्म परिवर्तन करवाते गंवारों से, तब जाकर कहीं हम असली देशभक्ति का हिस्सा बन पाएंगे, साथ ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को जिंदा रख पाएंगे और देश की हिफाजत करते हुए अपने देश को मजबूत कर पाएंगे। मंच को छोड़ने से पहले हर देश प्रेमी से यही कहना चाहूँगी कि अगर हमारे द्वारा एकजुट होकर पूरी ईमानदारी, पूर्ण निष्ठा के साथ अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया जाए तो निसंदेह हमारी इस मातृभूमि को विश्व महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज स्वाधीनता दिवस पर यह शपथ ले जाए, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।